हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने यूकेजी की हिंदी वर्कशीट लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने दो वर्णों वाले शब्द के बारे में बताया था और आज हम बिना मात्रा के तीन वर्णों वाले शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तीन वर्णों वाले शब्द के साथ साथ चार वर्णों वाले शब्द के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ छोटे आ से अनार से लेकर र से ऋषि की मात्राओं के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें अक्षरों को जोड़कर लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे अक्षर लिख दिए हैं भ ग त। बच्चा क्या करेगा, इनको जोड़कर यहाँ पर लिखेगा भ ग त, भगत। उसके बाद मैं ट क यहाँ पे लिखेगा मैं ट क मटक। इस तरीके से आप कराइए। उसके बाद मैंने क्या किया है, सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी अक्षरों को जोड़कर लिखो। यहाँ पे एक अक्षर लिखा है न, उसी से रिलेटेड दो शब्द बनेंगे न से। यहाँ पे न ग र नगर, नहर नहर। तो आप इस तरीके से मिलते जुलते शब्द भी कराइए जिससे कि बच्चे को याद करने में आसानी हो। यहाँ पे हो गया न गैर नगर, ये हो गया नहर नहर। उसके बाद आप ऐसे भी करा सकते हैं उनको रिक्त स्थान की तरह। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, अक्षर लिख दिए हैं अलग अलग और यहाँ पर एक खाली स्थान छोड़ दिया है, तो यहाँ पे बच्चों को फिल करने के लिए दीजिए। जब वो बच्चा लिखना शुरू करेगा, अक्षर लिखना शुरू करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आप उसको हिंट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे मैं है ल महल, यहाँ पे लिखा है प प्लस व प्लस, यहाँ क्या आएगा प व पवन पवन। उसके बाद न म, यहाँ पे क्या आएगा न नमन, न मैं न नमन। इस तरीके से आप खाली स्थान दे सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो पढ़ो और लिखो ही आता है। यहाँ पर मैंने कुछ तीन अक्षर वाले शब्द जो हैं लिख दिए हैं, जैसे झगड़ झगड़ मत, कै ले मैं कलम रख, ले टे के लटक मैं ते मत, झगड़ मत कलम रख लटक मत। तो इस तरह से आप लिख कर दीजिए उनको जिससे कि बच्चा उन्हें पढ़े पहले और फिर उसी चीज़ को यहाँ पर लिख कर दोहराए। उसके बाद वर्कशीट आती है जैसे चित्र देखकर शब्द लिखो। मैंने यहाँ पे चित्र बना दिए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पे उसको क्या लिखना है, शब्द लिखना है। तो पहले पिक्चर को समझेगा वो क्या बनी हुई है, ये बटन बना हुआ है। तो यहाँ पे वो फिर लिखेगा बै टै नै बटन। ये मैंने चित्र भगवत का बनाया है, तो उसको थोड़ा हिंट दे सकते हैं आप बताने के लिए, समझाने के लिए। तो भै वै नै भवन। उसके बाद कै मै लै कमल। उसके बाद ये सड़क का चित्र बनाया है, तो यहाँ पे सड़क सड़क। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी। उसके बाद आता है चार अक्षर वाले शब्द, ये भी बिना मात्रा के हैं। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना दिए हैं और यहाँ पर इसको मिलान करने हैं। तो आप मिलान करके भी आप करा सकते हैं, तीन वर्णों वालों में भी आप इस तरीके से मिलान करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ पे शलजम का चित्र बनाया, तो बच्चा क्या करेगा, पहले उसे रीड करेगा यहाँ पे कि शलजम कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे शै ले जय में शलजम, तो यहाँ पे मैच कर देगा। ये अजगर का चित्र है, तो अ जय गै रे अजगर। ये अदरक है, अदरक अदरक। इस तरीके से आप कराइए। उसके बाद आता है अक्षरों को जोड़कर लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग अक्षर लिख दिए हैं ब र त न, यहाँ पे बच्चा क्या लिखेगा, इसको जोड़कर लिखेगा ब र त न बर्तन। यहाँ पे क्या लिखा है, ग र द न, ग र द न, ये हो जाएगा गर्दन।
उसके बाद आता है इसमें भी रिक्त स्थान। जैसे आपको, आप क्या करेंगे, इसमें रिक्त स्थान दे देंगे तो प च यहाँ पे क्या आ सकता है, वो बच्चा एज्यूम करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेगा प च प न पचपन, ट म ट टम टम, ए च क न अचकन। इस तरीके से आप कराइए। उसके बाद सेम वही कराना है, पढ़ो और लिखो। जैसे यहाँ पे पढ़ने के लिए आप लिखवाइए ब र ग द बरगद, प र पर, म त मत, चढ़ चढ़ बरगद पर मत चढ़, न ट ख ट नटखट मत बन। तो इस तरीके से जब वो पढ़ना सीखेगा फिर उसके बाद उसको वो लिखेगा। उसके बाद आता है अ से बनने वाले शब्द। अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया ही था, इसमें स्वर के बारे में, सबके बारे में कि किस में कौन सी मात्राएं लगाई जाती हैं, तो अ में कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पे बच्चों को बस आपको क्या करना है, अक्षरों को मतलब यहाँ पे डैश बनाइए शुरू में और पूरा शब्द आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर बच्चे को सिर्फ क्या फिल करना है, यहाँ पे सिर्फ अ अ फिल करना है और वो खुद ही समझ जाएगा फिर कि अ वाले जो शब्द होते हैं ज़्यादातर मतलब हमारे जो है वो शुरू में ही लगते हैं क्योंकि इनमें मात्राएं नहीं होती। तो जैसे अ जगर अजगर, अकड़न अकड़न, अन बन अनबन, अदरक अदरक, अकबर अकबर और अचकन अचकन। तो इस तरीके से आप शब्द जोड़ कर दीजिए उनको कि मतलब अ वाला जो है वो अक्षर खुद लिखे जिससे कि पूरा का पूरा वो शब्द बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद आता है आ की मात्रा वाले शब्द। आ की मात्रा में सिर्फ आ का डंडा लगता है, तो ये आप पहले बच्चों को बताइए कि आ की मात्रा में हम क्यों मतलब क्या लगाते हैं। उसके बाद आप आ की मात्रा लगाकर लिखिए, इस तरीके से वर्कशीट तैयार कीजिए। और जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अक्षर यहाँ लिख दिया है न, तो न से यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, न बता दिया है तो न के बाद ही आ का डंडा लगेगा, ये मैंने उसको एक तरह से हिंट दे दिया है। तो आप भी इस तरीके से कराइए जिससे कि बच्चे को शुरू में जो है समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, न के बाद ही आ का डंडा लगाएगा। फिर उसको रीड कराइए, न आ क नाक, न आ मैं नाम, स प न आ ये क्या बन गया सपना, ने यहाँ पे आ का डंडा, ने आ रे आ ज नाराज। तो इस तरीके से कराइए आप। उसके बाद बच्चे को चित्र देखकर शब्द लिखो, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चित्र बना दिए। तो बच्चा तीन अक्षर वाले जो शब्द होंगे उनको लिखेगा। तो यहाँ पर जैसे बच्चे को अनार लिखना है, ये चित्र अनार का बना हुआ, तो यहाँ पर लिखेगा मैं आ रे अनार। ये आम का चित्र बनाया है तो यहाँ पे लिख देगा ए आ मैं आम। ये मैंने गमला बनाया है तो के मैं ले आ गमला। यहाँ पे छ और ते छाता, इस तरीके से आप दीजिए। उसके बाद मैंने रिक्त स्थान भरो लिखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने लास्ट वाला जो अक्षर है बिल्कुल सेम लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है, जिससे कि बच्चा जैसे कि इंग्लिश में होता है फोनिक साउंड हम सिखाते हैं उनको, तो एक ही जैसी साउंड सिखाते हैं पहले, तो यहाँ पर भी आप हिंदी में भी आप इस तरीके से सिखाइए कि जो सबसे लास्ट वाली जो आवाज़ होती है वो सेम अक्षर की ही हो, जिससे कि बच्चे को समझने में भी आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। तो इस तरीके से आप कराएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, म से रिलेटेड लिखना है, तो आप उसको हिंट दे के आप करा सकते हैं प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जैसे के आम है काम, ए आम है आम, ने आम है नाम, शे आम है शाम। तो इस तरह के जो होते हैं वो भी आप करा के उनको समझा सकते हैं आ की मात्रा वाले शब्द।
उसके बाद जब बच्चे को अ और आ में अंतर पता चल जाएगा तब आप उनको इमला जरूर कराएं उस चीज़ की, क्योंकि बच्चा जो है अ और आ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। जहाँ पर उसे आ की मात्रा लगानी होती है वहाँ पे वो नहीं लगाता है, और जहाँ नहीं लगानी होती वहाँ लगा देता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और अ की मात्रा और आ की मात्रा वाले शब्द उसे करने के लिए दीजिए। उसके बाद आता है छोटी की मात्रा वाले शब्द, और यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ लिखा है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। आप इनको इस तरीके से कंपैरिजन करके कराइए जिससे कि बच्चे को पता चले कि इसमें और इसमें दोनों में क्या अंतर है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं तो मैंने क्या किया, पूरा शब्द लिख दिया है, बस मात्रा मात्रा चढ़ानी है। तो यहाँ पर पहले उसको बताया कि छोटी ई की मात्रा किस तरीके से चढ़ानी है उसको, तो फिर वो यहाँ पर बच्चा छोटी ई की मात्रा चढ़ाएगा और इस तरीके से अक्षर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दिन, तिल, मिलन, छोटी की मात्रा, गिटार। ऐसे ही आप बड़े की मात्रा वाले शब्द कराइए तो उसमें यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि शब्द जैसे पढ़ने में हमें लग रहा है कल, नल, बल, जाल, तो ये भी एक तरह के शब्द हैं, पर मात्रा लगते ही इनका अर्थ बदल जाएगा। तो ये चीज़ आप उन्हें बताइए कि मात्रा का कितना महत्व होता है, कि मात्रा अगर नहीं लगती तो कहाँ से कहाँ पर शब्द बदल जाता है। तो जैसे हम इसमें मात्रा चढ़ाएंगे तो शब्द बन गया नली, बल पे मात्रा चढ़ा दी तो बन गया बली, और जाल पे मात्रा चढ़ा दी तो बन गया जाली। इस तरीके से आप अंतर समझाइए उनको। उसके बाद आप चित्र देखकर शब्द लिखो, ये कराइए उनको। जैसे यहाँ पर मैंने इमली का चित्र बनाया है तो यहाँ पे वो इमली लिखेगा, इमली, ये छोटी की मात्रा वाला शब्द है, तो यहाँ पे गिलास, ये भी छोटी की मात्रा वाला शब्द है, इसको हिंदी में हम विमान बोलते हैं, विमान, और इसको हम बड़ी की मात्रा मछली। तो इस तरीके से बच्चे को आप बच्चे को बड़ी की मात्रा वाले शब्द और छोटी की मात्रा वाले शब्द मिक्स करके दे सकते हैं। जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको पढ़ो, लिखो और इमला, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा करानी है। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो बच्चे को आसानी नहीं रहेगी करने में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बिना देखे लिखना आना चाहिए। अगर आपने ये सिखा दिया बच्चे को तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने बड़ी छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा वाले बताए थे, ऐसे ही आपको फिर छोटे की मात्रा और बड़े की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग लिखना है। फिर आप इसमें बच्चों को अंतर बताइए कि क्या दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पे मात्रा बता सकते हैं आप, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा ऐसे चढ़ती है और बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगेगी। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द, तो यहाँ पे मैंने शब्द लिखा हुआ है तो बस आपको मात्रा का बताना है उसको, तो किस तरीके से चढ़ानी है। छोटे ऊ की मात्रा चुन, यहाँ पे गुड़िया, बुन और गुड़िया, इस तरीके से आप कराइए। फिर उसके बाद ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा में अंतर, कि बड़े ऊ की मात्रा में किस तरीके से हम लगाते हैं, जैसे आलू, फूल, तरबूज और चूरन, इस तरीके से दोनों में बच्चों को अंतर पता चलेगा कि छोटे ऊ की मात्रा इधर को चढ़ती है और बड़े ऊ की मात्रा इधर। अगेन वही एक्टिविटी आपको दोहरानी है, पढ़ो, लिखो और इमला। जैसे पूजा, शहर, जा, गुलाब, ला, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा दोनों मैंने इसमें मिक्स करके लिखी है। उसके बाद आता है रस ऋषि की मात्रा, इस तरीके से जो नीचे की तरफ लगती है। तो इस तरह से आप बच्चों को शब्द लिख के दीजिए और उसमें भी मात्रा बताइए कि किस तरीके से उसको मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ पे ग पे मात्रा लगेगी तो ये बन गया ग्रह, न पे मात्रा लगेगी ये बन गया नृप, घ पे मात्रा लगेगी तो ये बन गया घृणा, और यहाँ पे हम लगाएंगे कृपया और ये वृक्ष। तो
तो आप बच्चे को री की मात्रा वाले ऐसे शब्द दीजिए जिससे कि बच्चे को ऋषि ऋषि का भी पता चले कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं। उसके बाद आप इनको बच्चों को डेली मतलब 5-5 शब्द या 10-10 शब्द, शुरू शुरू में 5 दीजिए फिर 10 दीजिए, तो इस तरह से उ की मात्रा वाले शब्द लिखो, बड़े उ की मात्रा वाले शब्द लिखो और ऋषि ऋषि यानी री की मात्रा वाले शब्द लिखो। ये ज़रूर उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। सो पेरेंट्स, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं इसमें कि आपको किस तरीके से बच्चों को मात्राओं का ज्ञान देना है। आप उनको इसी तरीके से प्रैक्टिस कराइए डेली, तो बच्चा ज़रूर मात्राओं में अंतर पढ़ना समझना सीख जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।